हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट वन इस सीरीज में हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इस सीरीज में हम कंप्लीट वो सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करने वाले हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन पूछा है कि कौन सा शेड्यूल है जिसमें ये चीजें लिखी हुई है forms of oath और affirmation किया तो ये आपको पता होने के लिए सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है ट्वेल्व शेड्यूल्स तो ये आपको सारे शेड्यूल्स याद रखने हैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या है सेकेंड शेड्यूल में क्या है थर्ड में क्या है ऐसे करके आपको याद रखना है इसका कोड भी है टीयर्स ऑफ ओल्ड पी एम तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में जो बात की गई है वो बात की गई है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया तो फर्स्ट शेड्यूल तो ऑप्शन नहीं हो सकता अब एट्थ शेड्यूल आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है एट्थ शेड्यूल रिलेटेड है लैंग्वेज से कितनी लैंग्वेजेस ट्वेंटी टू लैंग्वेज एट्थ शेड्यूल में मैंशन है तो एट्थ शेड्यूल भी ऑप्शन नहीं हो सकता अब बात कर लेते हैं थर्ड शेड्यूल तो थर्ड शेड्यूल में ही लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफॉर्मेशन तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड शेड्यूल और इलेवेंथ शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है अब इस इसमें किस चीज से रिलेटेड यह है पंचायत से रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए तो ये वाला क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स इम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन कौन सा प्रोविजन है यानी कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोहिबिट करता है यानी मना करता है कि चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड नहीं करना बिलो दी एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स चौदह साल से कम टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री तो कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है तो इसके लिए अब आपको ये चार आर्टिकल के ऑप्शन दे दिए सबसे पहले चीज़ आपको ज़्यादातर आर्टिकल्स पता होने चाहिए तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे चलिए एक एक करके हम बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी थ्री किस चीज से रिलेटेड है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री और आर्टिकल ट्वेंटी फोर अगर हम बात करें आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जो रिलेटेड है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है और आर्टिकल ट्वेंटी फोर बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी आर्टिकल ट्वेंटी फोर और ये आपको ध्यान रखना है इसका जो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल सेवनटीन किससे रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल नाइनटीन ये भी आपको पता होना चाहिए राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस इन आपका हाई कोर्ट एन जी टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली तो इसका आंसर है नॉन ऑफ दीज और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर का इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी जनवरी नेक्स्ट यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज लोकेटेड इन स्टेसबर्ग फ्रांस तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फाइव का बी ठीक है तो इसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी बता दिए और कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दे दी मिलते हैं जो है नेक्स्ट पार्ट में ठीक है और आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे थैंक यू